नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है। आज पीवी शैली को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज पीवी शैली पर लास्ट वीडियो भी है आपकी। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, पहले ही मार कर नहीं चला। पीवी शैली के लगभग जितने इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं हमने सबकी बात कर लिया है। आज एक रिकैप समझ लीजिए उन्हीं सारों का है और एकाध हो सकता है कुछ नया भी आपको मिल जाए। बट वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं एक पोएम की जो शैली ने बिना टाइटल के ही लिख डाला था और उस पोएम का नाम है अलास्टर। अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड ये एक पोएम है शैली की जो उन्होंने 10 to 14 September 1815 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1815 में। और पब्लिश कब हुई थी? 1816 में। 1815 में लिख करके 1816 में पब्लिश करवाया था। द पोएम वॉज विदाउट अ टाइटल व्हेन शैली पास्ड इट अलोंग टू हिज कंटेम्प्ररी एंड फ्रेंड टॉमस लव पीकॉक। राइट, ये पोएम शैली ने अपने मित्र टॉमस लव पीकॉक को दिया और टॉमस लव पीकॉक ने इसको टाइटल दे दी अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। राइट, पोयम अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 720 लाइन में लिखी गई थी, 720 लाइन्स में लिखी गई थी। टाइटल किसने दिया? टॉमस लव पीकॉक ने। अलास्टर का मतलब क्या होता है? अलास्टर नेम जो है ये रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है अलास्टर नेम? रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है। और रोमन माइथोलॉजी में अलास्टर का मतलब होता है एविल जीनियस। एविल भी है वो और जीनियस भी है वो, बिल्कुल डॉक्टर फॉस्टस की तरह। एबिल जीनियस। द नेम डजेंट रिफर टू द हीरो और पोएट ऑफ द पोयम, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया गया है एबिल जीनियस। बट इंस्टेड टू द स्पिरिट हु डिवाइनली एनिमेट्स द पोएट्स इमेजिनेशन, उस चीज को कहा गया है जो पोएट के इमेजिनेशन को शेप करती है, बनाती है, वो अलास्टर है, वो एबिल जीनियस है। क्लियर? तो ये छोटी चीज थी अलास्टर के बारे में। समरी आपको अलास्टर की नहीं बताऊंगा, आप पोयम पहले ही कर चुके हैं और अदरवाइज समरी आप कहीं से भी देख सकते हैं, कुछ आपका भी होमवर्क है। नेक्स्ट पोयम पर आइए, पीबी शैली की। नेक्स्ट पोयम पीवी शैली की थी हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से पहले का और पोयम देख लेते हैं। माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक, ओ सॉरी, BLANC। लाइन्स रिटन इन द वेल ऑफ Lines written in the veil of Chamouni, 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 and it is an ode by nature. शैली के बहुत सारे ओड्स हैं, बट टाइटल ओड नहीं जुड़ा है एक्सेप्ट ओड टू द वेस्ट विंड में।
राइट। उसके अलावा ये भी एक ओड है, माउंट ब्लैंक लाइंस रिटन इन द वेल ऑफ चमोनी, इट इज एन ओड बाय शेली एंड द पोएम वाज कंपोज्ड बिटवीन 22 जुलाई एंड 29 अगस्त 1816। बस इतना जानिए कि 1816 में जब शैली एक विजिट पर गए थे, एक टूर पर गए थे, कहाँ, चेमोनिक्स। चेमोनिक्स एक वैली का नाम है, एक घाटी का नाम है, उसी घाटी में वो विजिट के लिए गए थे एंड ही इंटेंडेड टू रिफ्लेक्ट द सीनरी थ्रू विच ही ट्रेवल्ड। जिधर से वो गुजरे, रास्ते में उनको जो जो चीज़ें दिखीं, उन्हीं चीज़ों पर वो पोएम लिखना चाहते थे और उसी पोएम को उन्होंने लिख दिया था माउंट ब्लैंक के नाम से। और माउंट ब्लैंक 1816 में लिखा, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1817, राइट, 1817 में ये पब्लिश हुई थी। क्लियर, 1817 में पब्लिश हुई थी एंड इन 1817 मैरी शैली एंड पर्सी बेसी शैली जो थे, एक हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स स्टोर थ्रू अ पार्ट ऑफ फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी एंड हॉलैंड, जिसको कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये माउंट ब्लैंक का कल्मिनेशन था, लिखा था 1817 में, राइट। तो इतना जानिए कि इट इज़, पहली बात तो ये कि ये शैली की पोएम है, दूसरी बात ये कि ये ओड है और तीसरी बात ये कि कब लिखी गई थी। इतने ही पॉइंट्स आपको इस पोएम से लेने हैं, माउंट ब्लैंक से। नेक्स्ट पोएम की बात आपको कर रहा था, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हीम का मतलब आपको पता ही होता है, हीम का मतलब होता है भजन। और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का मतलब कि शैली अपने उस आइडियलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। शैली डजंट बिलीव इन फिजिकल ब्यूटी बट इन इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, और शैली के लिए इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी एक स्पिरिट का काम करती है। 1816 में राइटिंग और 1817 में पब्लिकेशन, 1816 की राइटिंग, 1817 की पब्लिकेशन। क्लियर, कब लिखी गई, 1816 में। कब पब्लिश हुई, 1817 में। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी वॉज रिटेन ड्यूरिंग द समर ऑफ 1816 वाइल पर्सी एंड मैरी वॉज स्टेड विद लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन के साथ दोनों रुके हुए थे, कहाँ पे रुके हुए थे, नियर लेक जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, राइट। बायरन भी इनके साथ थे जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, 1816 में वही ये पोयम लिखी गई थी। और उसके साथ भी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शैली ने पोयम लिखी, पोयम लिखने के बाद उसको छपने के लिए एक अपने फ्रेंड के पास इसको भेजा और उनके फ्रेंड का नाम था ले हंट, बट पोयम पब्लिश होने से पहले ले हंट से गायब हो गई। और जब पोयम गायब हो गई तो उन्होंने दोबारा से इस पोएम को लिखा, रीड्राफ्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज माइंड, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन मेमोरी, राइट। तो जो हमारे पास पोएम है वो दोबारा लिखी वाली पोएम है, सेकेंड ड्राफ्ट है पोएम का। और ठीक है, बट फाइनली जब सेकेंड ड्राफ्ट लिखा गया तो इट वॉज इवेंचुअली पब्लिश्ड बाई ले हंट। ले हंट ने उसको छापा, और किस में छापा, एक मैगजीन आती थी, उस मैगजीन का नाम था एग्जामिनर। उस एग्जामिनर में इसको छापा था, किसने, पीबी शैली की पोयम को ले हंट ने पब्लिश किया था, राइट। वैसे पोयम पहली बार एक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो किस वॉल्यूम में छपी थी, तो एक वॉल्यूम आया था रोजालिंड एंड हेलेन अ मॉडर्न इकोलॉग विद अदर पोयम्स इन 1819 में। क्या नाम से आया था, रोजालिंड एंड हेलेन, अ मॉडर्न इकोलॉग
एंड अदर पोएम्स। अ मॉडर्न इकलॉग एंड अदर जो है विद अदर पोएम्स 1819 में, और उसी में जो है कलेक्शन में वॉल्यूम में छपी थी पोयम हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, राइट, अ मॉडर्न इकलॉग विद अदर पोएम्स। द शेडो ऑफ स्ट्रेंज पावर फ्लोट्स अनसीन थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरिंग इन टू मैन कमिंग एंड गोइंग मिस्टीरियसली। शैली आस्क द शेडो विच ही कॉल्स अ स्पिरिट ऑफ ब्यूटी, राइट, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी है शैली के लिए, वेयर इट हैज़ गॉन एंड वाई इट डिसअपियर्स एंड लीव्स अस डिसोलेट। और फिर शैली हिमसेल्फ एक्नॉलेज दैट इट इज वेन टू आस्क दिस क्वेश्चन, वाई इज ही आस्किंग दिस क्वेश्चन, इट्स टोटली जो है कन्फ्यूज कर देती है शैली को, राइट, नो वॉइस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड हैज़ एवर आंसर्ड दीज क्वेश्चंस। द नेम्स ऑफ डेमन घोस्ट एंड हेवन आर द रिकॉर्ड ऑफ मेन्स वेन अटेम्प्ट्स टू गेट आंसर्स। आपको बताया था कि शैली बिलीव करते थे ऑकल्ट में, शैली बिलीव करते थे स्पिरिट में, सुपरनेचुरल चीज़ों में, और उसी को अपने पोएम में डालना चाहते थे। द पोएट बिशीचेज दिस स्पिरिट नॉट टू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, विदाउट इट डेथ वुड बी एन एक्सपीरियंस टू बी फेयर्ड, राइट, उस ब्यूटी की बात कर रहे थे, राइट, स्पिरिचुअल रियलिटी की बात कर रहे थे। इन हिज यूथ शैली सॉट स्पिरिचुअल रियलिटी इन घोस्ट्स एंड डेड, और यहाँ तक कि वेस्ट विंड में भी वो उसी स्पिरिचुअलिज्म को खोज रहे होते हैं, स्काईलार्क में भी उसी स्पिरिचुअलिज्म को खोज रहे होते हैं। एंड इन हिज सर्च द शेडो ऑफ द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी सडनली फेल ऑन हिम एंड फिल्ड हिम विद इलेशन। ही वाउड दैट ही वुड डेडिकेट हिमसेल्फ टू दिस स्पिरिट एंड ही हैज केप्ट दिस वाउ। ही इज कन्विंस्ड दैट इट विल फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ स्लेवरी इन विच ही इज या इट इज। ही प्रेज दैट दिस पावर विल ब्रिंग काम टू हिज लाइफ, शांति लाएगा, फॉर ही वर्शिप्स इट, इट हैज टॉट हिम टू फियर हिमसेल्फ एंड लव ऑल मैनकाइंड। ये पोयम उनको मैनकाइंड की बात बताती है, क्लियर। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के स्ट्रक्चर पर बात करें तो 84 लाइंस की पोयम है, और पोयम क्या है, एक ओड ये भी है, राइट, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी एक ओड है जो वर्ड्सवर्थ के इमोर्टेलिटी ओड पर बेस्ड था। ऑल्दो द थीम ऑफ द ओड ग्लोरियस डिपार्चर इज शेयर्ड विद वर्ड्सवर्थ्स ओड, शैली होल्ड्स अ डिफरिंग व्यू ऑफ नेचर। शैली और वर्ड्सवर्थ का नेचर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, नेचर पर दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो तो रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर भी, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है, ये पोएम है इलेशन से उनको खुशी से, हैप्पीनेस से फिल कर देती है, हैप्पीनेस से भर देती है, और शैली उस ब्यूटी की सर्च कर रहे होते हैं जो माइंड की ब्यूटी हो, ना कि वो ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी हो, स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात कर रहे होते हैं। और शैली बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे ज़ीन-ज़ेक रूसो से, रूसो की जो नावल आई थी जूली, राइट, सेंसिबिलिटी की नावल थी वो, नावल ऑफ सेंसिबिलिटी थी जूली, या उसका एक और नाम था न्यू होल से, और वर्ड्सवर्थ के ओड से वो इंस्पायर थे, और उसी इंस्पिरेशन में इन्होंने पोएम को कंपोज किया था। एक दो लाइन है पोएम की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो आपको PDF में तो मिल ही जाएगी, राइट। स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डज कंसिक्रेट विथ थाइन ओन ह्यूज ऑल दाउ डज शाइन अपॉन ऑफ ह्यूमन थॉट आर फॉर्म वेयर आर्ट दाउ गॉन। ब्यूटी को आर्ट से कंपेयर किया है और पूछता है वेयर आर्ट दाउ गॉन, व्हाई डज दाउ पास अवे एंड लीव आवर स्टेट द डिम वास्ट वेल ऑफ टीयर्स वैकेंट एंड डिजोलेट। आस्क व्हाई सनलाइट नॉट फॉर एवर वीव्स रेनबोज ओवर योर माउंटेन रिवर, व्हाई आर्ट शुड फेल एंड फेड दैट वंस इज शोन
Why fear and dream and death and birth cast on the daylight of this earth such gloom? क्लियर, सब आपको जो है मिल जाएगी पोयम पीडीएफ जब आपको मैं दूंगा, और अब तो वैकेंसीज भी आ गई हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ही सारे मटेरियल्स आपको उपलब्ध करा दिया जाऊंगा। नेक्स्ट पोयम आपको एक बताया था, शायद दोबारा से एक बार रिकैप तो कर ही लीजिए, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम उसका नाम है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के अलग अलग टाइटल्स थे। एक इसकी ओरिजिनल जो टाइटल थी पब्लिश्ड अंडर द टाइटल ओरिजिनली, तो उसका नाम था लोन एंड सिथना। लोन एंड सिथना और द रिवोल्यूशन ऑफ अ गोल्डन सिटी। रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी अ विजन ऑफ नाइनटींथ सेंचुरी। अ विजन ऑफ नाइनटींथ सेंचुरी, राइट। ये पूरी टाइटल थी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की। लिखी कब गई थी? लिखी गई 1818 में, और इसमें टोटल 12 कैंटोज हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। टोटल देयर आर 12 कैंटोज इन द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। पोयम जो है एक इमेजिनरी पोयम है, और पोयम इमेजिनरी है, और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में टाइटल तो इस्लाम है लेकिन इसका इस्लाम एज ए स्पेसिफिक रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। स्पेसिफिक रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे बेस किस पर इन्होंने किया है? ऑटोमन एम्पायर पर। ऑटोमन एम्पायर, सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर जो था उसी पर बेस्ड है। इमेजिनरी सेटिंग है, और उस इमेजिनरी सेटिंग कहाँ पर है? जो इमेजिनरी कंट्री है उसका नाम है अर्गोलिस, राइट। उसी अर्गोलिस में पोयम सेट कर दी गई है, राइट। मॉडल्ड ऑन ये इमेजिनरी सेटिंग है, एंड एक टायरेनिक रूलर पर मॉडल्ड है। और वो टायरेनिक रूलर कौन होता है? सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के फाल के बाद उसी की एशेस पर एक एम्पायर बना, जिस एम्पायर का नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर, जिसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपली, और उसी कॉन्स्टेंटिनोपली का फाल 1453 में होता है, और फिर सुल्तान का रूलिंग शुरू होती है और वो ऑटोमन एम्पायर बन जाता है। ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर है मोहम्मद सुल्तान, वो डिस्पॉटिक रूलर था, तानाशाह था, और उस तानाशाही के खिलाफ इन दोनों ने रिवोल्ट किया था, जिसका नाम टाइटल में दिया है लोन एंड सिथना। और शैली को रिवोल्यूशन में भी विश्वास था, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था शैली के जन्म से 3 साल पहले, और उसका इम्पैक्ट भी शैली पर पड़ा था। द वर्क इज अ सिम्बोलिक पैरेबल ऑन लिबरेशन एंड रिवोल्यूशनरी आइडियलिज्म फॉलोइंग द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो उम्मीदें थी लोगों की वो पूरी तरीके से बिखर गई थी, और उस बिखरने का जो इम्पैक्ट था वो शैली पर बहुत ज़्यादा था, वर्ड्सवर्थ पर भी कम नहीं था। डिसइल्यूजनमेंट बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, राइट। ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो पोएम है अर्गोलिस,
सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर पर बेस्ड है, मॉडल जो है। और बात किसकी करती है, लिबरेशन की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है और रिवोल्यूशनरी आइडियलिज्म की बात करती है, राइट। और ये पोयम किसी को डेडिकेट भी थी। इस पर भी एक क्वेश्चन देखिएगा कि टू हुम द पोयम वॉज डेडिकेटेड, तो द पोयम वॉज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ, राइट। डेडिकेशन की जब आप बात करोगे किसको डेडिकेट थी पोयम, उनकी वाइफ को जिनका नाम था मैरी शेली, ठीक। ये डेडिकेट थी, द पोयम हैज अ डेडिकेशन टू मैरी शेली कंप्राइजिंग अ वर्स बाय जॉर्ज चैपमैन एंड एन ओरिजिनल 14 स्टैंजा पोयम, राइट। ओरिजिनल 14 स्टैंजा पोयम भी है जिसमें डेडिकेशन में दी है, और डेडिकेशन है किसको, मैरी शैली को, जो उनकी वाइफ थी। क्लियर। स्टोरी प्लाट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 8-12 कैंटोज हैं, बट एक बार समरी मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्लियर, समरी आपको भेजेंगे ज़रूर। अगली पोयम पर आइए। अगली पोयम है रोजालिंड ओज़ामेंडियास सॉनेट, हमने आपको करा दिया है, अब कराने की ज़रूरत नहीं है। रोजालिंड एंड हेलेन हमने करा दिया है, उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है एक ट्रेजेडी पर बात कर लेते हैं, नाम है द चिंची। वैसे लिखा रहता है सेंसी, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं चिंची, राइट। चिंची अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। चिंची अ ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स, एक ट्रेजिडी है, और ट्रेजिडी क्या होता है, ड्रामा है। और शैली के जितने भी ड्रामाज हैं वो सब क्या हैं, वो सब वर्स ड्रामाज हैं। शैली के ड्रामाज वर्स ड्रामाज हैं, 5 एक्ट्स टाइटल में ही लिखा है। इस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि चिंची में कितने एक्ट हैं, या एक बार क्वेश्चन आया था प्रोमीथियस अनबाउंड में कितने एक्ट्स हैं, कितने एक्ट्स हैं, आई होप यू रिमेम्बर, बताया था हमने आपको प्रोमीथियस अनबाउंड में 4 एक्ट्स हैं। चिंची में कितने एक्ट्स हैं, चिंची में 5 एक्ट्स हैं। चिंची किसने लिखा था, पर्सी बेसी शैली ने लिखा था। चिंची कब लिखा गया था, तो इसका जवाब है कि 1819 में लिखा गया था चिंची, राइट। और किससे इंस्पायर था, तो एक रियल स्टोरी से इंस्पायर था जो इटली में हुई थी, द हाउस ऑफ चिंची, राइट। और एक पर्टिकुलर पर्सन है उस हाउस ऑफ चिंची का, उसका नाम था बीट्राइस चिंची। क्या नाम है, बीट्राइस चिंची पर बेस्ड था, राइट। चेन ची सेंसी नहीं पढ़िएगा, वैसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है तो लोग इसको सेंसी ही बताते हैं। शैली कंपोज्ड द प्ले व्हाइल ही वाज लिविंग इन रोम एट, राइट, लिवर्नो में जब रह रहे थे उन्होंने, तभी इसको कंप्लीट किया था 1819 में। और पब्लिश किसने किया था, चार्ल्स एंड जेम्स ओलिवर जो उनके पब्लिशर थे, 1819 में इसको पब्लिश किया गया था, राइट। द लिवर्नो एडिशन वॉज प्रिंटेड इन लिवर्नो इटली बाई शैली, राइट। हिमसेल्फ रन 250 कॉपीज। और शैली ने फिर थॉमस लपिकॉक को बताया था कि इन्होंने प्रिंटिंग के लिए पैसे खुद से अरेंज किए थे, ही अरेंज्ड फॉर द प्रिंटिंग हिमसेल्फ, क्यों, बिकॉज इन इटली इट कॉस्ट्स विद ऑल ड्यूटीज एंड फ्रेटेज अबाउट हाफ ऑफ दैट इट कुड कॉस्ट इन लंडन,
राइट, वहाँ पर सस्ते में छप जाती थी, इसलिए वहां पर उन्होंने उसको पब्लिश कराया था। क्लियर? प्लॉट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्रेजिडी है, एक हॉरिफिक ट्रेजिडी है। सेटिंग है इसकी 1599 की, राइट। कब सेट है ड्रामा? हिस्टोरिकल ड्रामा टाइप का है, सेटिंग है 1599 की। और कहाँ की सेटिंग है? सेटिंग है रोम की, रोम 1599 में सेट है। आप एक यंग वूमन की स्टोरी है जिसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया था, राइट। तो ऑफ अ यंग वूमन एग्जीक्यूटेड फॉर प्री मेडिटेटेड मर्डर ऑफ हर टायरानिकल फादर वॉज अ वेल नोन ट्रू स्टोरी हैंडेड डाउन ओरली एंड डॉक्यूमेंटेड इन सेवरल बुक्स। द इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द पोंटिफिकेट ऑफ पोप क्लीमेंट 8, राइट। पोप क्लीमेंट 8 1599 के टाइम पर था, और वहीं पर पूरी ट्रेजेडी जो है सेटिंग है इसकी। अगले वर्क पर आइए, चिंची के बाद। चिंची के बाद अगली एक पोएम है जो आई थी इंग्लैंड इन 1819, इंग्लैंड इन 1819, राइट। अब इंग्लैंड इन 1819 है तो अपने आप ही मतलब है कि 1819 में लिखी गई होगी, राइट। और है क्या ये? पोयम है, ये ड्रामा नहीं है। एन ओल्ड मैड ब्लाइंड डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग प्रिंसेस द ड्रेक्स ऑफ दियर डल रेस हु फ्लो through public scorn, mud from a muddy spring, rulers who neither sees nor feel nor know, but leech like to their fainting country cling, till they drop blind in blood without a blow, a people starved and stabbed in the untitled field, an army which liberate and pray makes as a two-edged sword, राइट। गोल्डन एंड सैंग्विन लॉज विच टेम्प्ट एंड स्ले रिलीजन क्रेस्टिसेस गॉडलेस अ बुक सील्ड अ सीनेट टाइम्स वर्स्ट। पोयम की लाइंस बता रहा था। इंग्लैंड 1819 जो है ये प्योर सोनेट है और पॉलिटिकल सोनेट है, राइट। क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल सोनेट। सोनेट तो सोनेट होता है, फिर पॉलिटिकल क्या होता है? बेसिकली सोनेट लव सोनेट्स हुआ करते थे, टाइम पर लिखे जाते थे, परमानेंसी पर, इम्परमानेंसी पर, और शैली ने उसको पॉलिटिकल बना दिया है, राइट। दैट रिफ्लेक्ट्स हिज लिबरल आइडियाज, राइट। लिबरल आइडिया की बात करता है, राइट। बैकग्राउंड की बात करें तो पोएम वॉज कम्पोज इन 1819 बट इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1839। 1819 में तो लिखी गई थी और पब्लिश कब हुई? 1839 में इन अ 4-volume पोएटिकल वर्क्स ऑफ पीबी शैली, राइट, जिसको उनकी वाइफ मैरी शैली ने बाद में एडिट किया था। और लाइक ऑल सोनेट्स इंग्लैंड इन 1819 हैज 14 लाइंस एंड रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें सब लिखे होते हैं, बट इट्स राइमिंग स्कीम डिफर्स। और इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और फिर ए बी ए बी ए बी और फिर ए बी, मतलब 6 लाइन से हो गई। और फिर है सी डी सी डी सी डी सी डी सी सी डी डी, ये पैटर्न है, राइट। ट्रेडिशनल इंग्लिश सॉनेट से जो डिफरेंट है, ट्रेडिशनल इंग्लिश सॉनेट क्या राइम स्कीम क्या होती है? उसकी ट्रेडिशनल की होती है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ और जी जी। ये शेक्सपियरियन सॉनेट की है, ये इंग्लिश सॉनेट की है। और इंग्लैंड 1819 की डिफरेंट है सबसे, और डिफरेंट राइम स्कीम जो है
वो ये है ए बी ए बी, सी डी सी डी, सी सी और फिर डी डी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। समरी की अगर हम बात करें तो द सॉनेट डिस्क्राइब्स अ वेरी फॉरलॉर्न रियलिटी, राइट? फॉरलॉर्न का मतलब अकेले होता है। रियलिटी की बात करती है, द पोएम पैशनेटली अटैक्स एज द पोएट सीज इट इंग्लैंड्स डिकाडेंट ऑपरेशिंग रूलिंग क्लास, जो अंग्रेजों का अंग्रेज इंग्लैंड में ही जो रूलिंग क्लास है उस पर हमला है। और किंग जॉर्ज थर्ड किंग है, इज डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड, मैड, ब्लाइंड, डिस्पाइज्ड एंड डाइंग, राइट? तो पोएम जो सॉनेट है एक तरीके से किंग जॉर्ज थर्ड पर किंग जॉर्ज थर्ड पर पूरी तरीके से अटैक है, किंग जॉर्ज थर्ड पर हमला है, जिसको वो ओल्ड बोलते हैं, मैड बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं, डिस्पाइज्ड बोलते हैं, डाइंग बोलते हैं, और इतने पर सुकून नहीं बोलता तब उनको बोलते हैं कि वो लीच लाइक हैं, जोक की तरह हैं। नॉबिलिटी, लीच लाइक नॉबिलिटी जो प्रिंसेस है वो मेटाफोरिकली सक द ब्लड फ्रॉम द पीपल, लोगों का खून चूसती है, हु आर इन द सॉनेट ऑप्रेस्ड, हंग्री एंड होपलेस। जनता होपलेस है, जनता हंग्री है, और वो क्या काम कर रहे हैं, वो इनका खून चूसने का काम कर रहे हैं। क्लियर? जो पार्लियामेंट है वो भी ऐसे है, सबका एक ही काम है। द लॉज आर हार्श एंड यूजलेस, कानून बेकार के हैं लेकिन बहुत टफ हैं। रिलीजन ने अपनी मोरालिटी खो दी है, नैतिकता खो दी है, और पार्लियामेंट जो है वो रिलिक बन गई है, खंडहर बन गई है, राइट? और इसके अलावा जो सिविल राइट्स है कैथोलिक माइनॉरिटी की, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है। टाइम्स वर्स्ट स्टेच्यू बोलते हैं अनरिपील्ड, इन द स्टार्टिंग ब्रस्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द सोनेट एक्सप्रेस द होप दैट अ ग्लोरियस फैंटम मे स्प्रिंग फोर्थ फ्रॉम दिस डीके एंड इल्यूमाइन आर टेम्पचुअस डे, राइट? द पोयम वॉज रिटन इन अ रिस्पॉन्स टू द ब्रूटल पीटरलू मसाकरे इन अगस्त 1819, राइट? अगस्त 1819 में पीटरलू मसाकरी हुआ था, और उस पीटरलू मसाकरी के रिस्पांस में उन्होंने पोयम लिखी इंग्लैंड 1819। क्लियर? पीटरलू मसाकरी के रिस्पांस में उन्होंने एक और पोयम लिखी थी, और वो मैं आपको करा चुका हूं, आप ढूंढिएगा कि कौन सी पोयम है। अगले पर आ जाइए, अगला एक डायलॉग पोएम है, नाम है जूलियन एंड मैडेलो। जूलियन एंड मैडेलो, अ कन्वर्सेशन। जूलियन एंड मैडेलो is a conversation poem in 617 lines. ज़्यादा कुछ यहाँ जानना नहीं है, यहाँ पर जो जूलियन है वो शैली खुद है, और जो मैडेलो है ये बायरन है। जूलियन एंड मैडेलो, राइट? पब्लिश हुई थी शैली के डेथ के बाद 1824 में, शैली की डेथ हो गई 1822 में, और पोयम पब्लिश हुई थी पास्टूमसली 1824 में। जूलियन एंड मैडेलो के बीच डायलॉग है, एक आइडियलिज्म की बात करता है और एक रिवॉल्यूशन की बात करता है। लिखा कब गया था वर्क, तो लिखा गया था 1818 में, राइट? 1818 में जब वो इटली में रह रहे थे, वेनिस में रह रहे थे, तब वो अपने फ्रेंड लॉर्ड बायरन से मिले थे, और वहीं पर पोएम का कंपोजिशन हुआ था। इट वाज गिवन इट्स फाइनल रिवीजन इन 1819। शैली
ओरिजिनली इंटेंडेड कि उनकी पोएम एग्जामिनर में छपे, जो कि एक बहुत रेडिकल पेपर था जिसके ले हंट एडिटर थे, जो उनके फ्रेंड भी थे, बट देन डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑन एनोनिमस पब्लिकेशन कोई और इसको छापे। फिर चार्ल्स ओलियर ने छापने के लिए बोला। द प्लान फेल थ्रू एंड जूलियन एंड मेडलो फर्स्ट अपीयर्ड आफ्टर शैलीज डेथ इन 1824। पूरा प्लान फेल हो गया छपाने का और शैली की डेथ के बाद पूरा पोएम छपा है, राइट। द बिटर सिनिसिज्म ऑफ काउंट मेडलो इन द पोएम रिफ्लेक्ट्स क्लोजली लॉर्ड बायरन्स व्यूज, राइट। जो मेडलो है वो लॉर्ड बायरन के व्यूज को रिफ्लेक्ट करता है और जो जूलियन है वो पी बी शैली के व्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। इतनी सी बात इस पोएम के बारे में आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, प्रोमीथियस अनबाउंड करा चुका हूं, नहीं कराना है, और नहीं कराना है तो फिर आगे क्या करना है। प्रोमीथियस अनबाउंड के बाद कुछ पोएम्स के आपको नाम बताता हूं, आप उन पोएम्स के नेम्स लिख लीजिए। वो पेपर में पूछ लेता है सिर्फ कि किसकी पोएम है। एक पोएम है द क्लाउड, एक पोएम है द सेंसिटिव प्लांट, द क्लाउड 1820 की है और सेंसिटिव प्लांट भी सेम ईयर की है। और सेम ईयर की एक और पोएम है एडिपस टायरनेस, TYRANNUS, एडिपस टायरनेस। और एक और टाइटल इसकी और स्वेल फूट, एडिपस टायरनेस और स्वेल फूट। और ये भी जो एक ट्रेजिडी है एडिपस टायरनेस और स्वेल फूट द टायरेंट, अ ट्रेजिडी इन टू एक्ट्स। A tragedy in two acts. और ये भी 1820 की, राइट। और उसके बाद एक पोएम है एपिप्सिचीडियन, 1821 में पब्लिश हुई थी। क्या है एपिप्सिचीडियन, EPIPSYCHIDION, एपिप्सिचीडियन 1821 में। और लास्ट पोएम जो शैली की थी वो थी द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, जो शैली लिख रहे थे कंप्लीट नहीं कर पाए और डेथ हो गई 1822 में, इसको लिख रहे थे अपने डेथ के टाइम, और ये इनकम्प्लीट पोएम है। और इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शैली की कौन सी पोएम इनकम्प्लीट है। तो जो इनकम्प्लीट पोएम है शैली की वो द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है। इनकम्प्लीट पोएम ही 1824 में पब्लिश हो गई थी, राइट। शेल फूड द टायरेंट एक ट्रेजिडी है। प्ले कौन कौन से हो गए इनके, एक प्ले हो गया प्रोमीथियस अनबाउंड, दूसरा प्ले हो गया चिंची, अ ट्रेजिडी इन फाइव एक्ट्स, और तीसरा प्ले हो गया ये स्वेल फूड एडिपस टायरनेस और स्वेल फूड द टायरेंट, और एक ट्रेजिडी है हेलस, राइट। हेलस एक ट्रेजिडी है। इतने इनके प्लेज हो गए, बाकी पोएम्स हो गई। आइए इनके कुछ शॉर्ट प्रोज वर्क्स की भी आपको बता देते हैं, जिसमें एक दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एशेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और करियर में शुरुआत में ही हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ हिज वन ऑफ द रेडिकल एशेज ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और उस एसे का नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसको उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के लिखा था
और दोनों को एक्सपेल कर दिया गया था, राइट। तो नेसेसिटी ऑफ एथिज्म कब लिखा गया था ये भी आपको बता चुका हूँ, इसका डिटेल आपको मिल चुका है, राइट। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इज एन एसे ऑन एथिज्म बाय शाली, और प्रिंट कब हुआ था 1811 में, राइट 1811 में जो है प्रिंट हुआ था, और इसकी वजह से शैली वॉज रस्टिकेटेड। दूसरे एसे पर आइए, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के अलावा भी उनके एसेज हैं, और ख़ास करके कि वो तो वेजिटेरियन हो गए थे, और वेजिटेरियन हो गए थे तो उन्होंने वेजिटेरियनिज्म पर भी एसे लिखे हैं, राइट। वेजिटेरियनिज्म पर एसे लिखे हैं, पोएट्री पर एसे लिखे हैं, राइट। और वेजिटेरियनिज्म पर जो उनका एसे है उसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट। शैली का एक फ्रेंड इंडिया भी आया था, और जब शैली उस फ्रेंड से मिले तो वो वेजिटेरियन हो गए, राइट। इट इज अ बुक बाय शैली ऑन वेजिटेरियनिज्म एंड एनिमल राइट्स। वेजिटेरियनिज्म एंड एनिमल राइट्स। अब जब वेजिटेरियन होगा आदमी तभी वो एनिमल राइट्स की बात कर सकता है, और एनिमल को खाने वाला तो एनिमल राइट्स की बात नहीं कर सकता है, राइट। इट वाज फर्स्ट रिटन एज पार्ट ऑफ द नोट्स टू द क्वीन मैप व्हिच वाज प्राइवेटली प्रिंटेड इन 1813। लेटर इन द सेम ईयर द एसे वाज सेपरेटली पब्लिश्ड एज अ पैम्फलेट, पैम्फलेट के रूप में एसे छपा था, राइट। शैली रोट फोर एसेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वेजिटेरियनिज्म, चार एसेज इन्होंने लिखे थे वेजिटेरियनिज्म पर, राइट। और उस चार में जो है अ विंडिकेशन ऑफ द नेचुरल डाइट है, एक है उसके बाद अ रिप्यूटेशन ऑफ जो है डीइज्म एंड ऑन द वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट, ये भी एक ऐसे लिख देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट। ठीक है, ये भी वेजिटेरियनिज्म पर उनका एसे है। जो पी बी शैली फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड विद द वेजिटेरियन डाइट वाइल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड अकॉर्डिंग टू थॉमस जेफरसन हॉग। शैली बिगैन वेजिटेरियन डाइट ऑन मार्च 1812 अलॉन्ग विद हिज फर्स्ट वाइफ हैरियट वेस्टब्रुक। शैली बिगैन कंपोजिंग द एसे इन अक्टूबर से जो है नवंबर 1812। शैली मेट जॉन फ्रैंक न्यूटन ड्यूरिंग 1812 एंड 13 एंड इन्फ्लुएंस्ड हिज व्यूज ऑन वेजिटेरियनिज्म, क्लियर। तो ये शैली का काम है एनिमल राइट्स पर और वेजिटेरियनिज्म पर। आइए नेक्स्ट एसे की बात करते हैं। देखिए एसेज तो बहुत हैं, सारे आपके काम के नहीं हैं, जो आपके काम के हैं वो आपको बताता हूँ। एक ऐसे है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो 1812 में आया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन की स्पेलिंग क्या होगी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जस्ट मिनट। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बाद एक ऐसे है शैली का ऑन लव, 1818 में कितना काम लोग करते थे कि एक एक साल में कितने सारे वर्क्स आ गए हैं, कितनी पोएम्स, कितनी एशेज, कहाँ कहाँ माइंड चलता था, और दिन भर ट्रेवल भी करते रहते थे। एक ऐसे है ऑन द लिटरेचर
द आर्ट्स एंड द मैनर्स ऑफ एथीनियंस, ऑन द लिटरेचर on the literature, the arts and manners, the art and manners of the Athenians, 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 ये भी 1818 में ही, राइट right? और एक ऐसे उन्होंने अपने वाइफ की नावल पर ही लिख दिया था और उस ऐसे का नाम था ऑन फ्रैंकेस्टीन। क्लियर? तो ये शैली के काम हैं। जो एक ऐसे उनका और है ऑन लाइफ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, और अ डिफेंस ऑफ पोएट्री 1821 में लिखा गया, बट पब्लिश्ड हुई उनकी डेथ के बाद 1840 में। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री की भी अपनी ही एक अलग स्टाइल है। डिफेंस ऑफ पोएट्री एक्चुअल में था क्या? डिफेंस ऑफ पोएट्री एक बार और लिखा जा चुका था, और लिखा था सर फिलिप सिडनी ने। जब सर फिलिप सिडनी ने लिखा था डिफेंस ऑफ पोएजी और अपोलॉजी फॉर पोएट्री, तो वो अटैक पोएट्री पर हुआ था एक उनके कंटेम्प्ररी पोएट के द्वारा ही। यहाँ पर भी यही होता है। यहाँ पर पी बी शैली के कंटेम्प्ररी पोएट थे थॉमस लव पीकॉक, और थॉमस लव पीकॉक का ऐसे आया था फोर एजेस ऑफ पोएट्री, राइट? फोर एजेस ऑफ पोएट्री में उन्होंने पोएट्री के अलग अलग एज डिवाइड कर दिए थे, और पोएट्री को बहुत क्रिटिसाइज किया था, सटराइज किया था, और उसी के जवाब में पोएट्री को डिफेंस करने के लिए शैली ने ऐसे लिखा था डिफेंस ऑफ पोएट्री। और उसी में उन्होंने अपनी पोएट्री की डेफिनेशन भी दी, पोएट की डेफिनेशन दी थी कि पोएट्स होते कौन हैं। तो शैली ने बोला था कि पोएट्स बिल्कुल लेजिस्लेचर्स की तरह होते हैं, पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, और किसी एक देश के लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने वाले, बट पूरे वर्ल्ड का लेजिस्लेचर होता है पोएट। Poets are the unacknowledged legislature of the world। ये शैली सोचते थे, ऐसा शैली को लगता था कि पूरी दुनिया के कानून के निर्माता पोएट्स होते हैं। क्लियर? ये ब्रॉड सोच वाले थे पी बी शैली। इसके साथ आपको क्या याद रखना है, वो ऐसे जो हमने आपको बताया कि फोर एजेस ऑफ पोएट्री के रिस्पांस में, फोर एजेस ऑफ पोएट्री एक ऐसे था, इसके रिस्पांस में पोई आज लिखा गया था डिफेंस ऑफ पोएजी। क्लियर? तो ये शैली के करियर की बात हुई, ये शैली के पोएट्री की बात हुई, और ये शैली के एसेज की बात के साथ साथ ये शैली के किसकी बात हो गई, ये शैली के ओवरऑल पीजीटी के क्वेश्चंस की बात हो गई कि किस किस पर कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। शैली पर इतना ही। अगला पोएट है, उसका नाम है जॉन कीट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर keeping patience, all the best, thank you।